You, in your generation, made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. की लूट कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। विरासत कर हमारा एजेंडा श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। वन हैज $100 million वर्थ ऑफ वेल्थ एंड व्हेन ही डाइज ही कैन ओनली ट्रांसफर प्रॉबली 45% टू हिज चिल्ड्रन, 55% इज ग्रैब्ड बाय गवर्नमेंट। नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग लॉ। इट सेज यू इन योर जनरेशन मेड वेल्थ, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। विरासत कर हमारा एजेंडा नहीं है। और हकीकत यह है कि 1985 में नए नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस विरासत कर को हटाया था और 2014 और 2019 के बीच में अरुण जेटली जी, जयंत सिन्हा और बीजेपी के कई समर्थक, शुभचिंतक, बुद्धिजीवी ने विरासत कर का वकालत उन्होंने की। तो असली बात यह है हमने कभी विरासत कर के बारे में जिक्र नहीं किया है, वो हमारे एजेंडा में नहीं है। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिलकत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया,
उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। बिना टैक्स के अपने परिवार की चार चार पीढ़ियों की अकूत धन दौलत हासिल करने के बाद अब ये लोग आप जैसे सामान्य मानवी की विरासत, आपकी मेहनत की कमाई, जो आपने अपने बच्चों के लिए बचत करके रखा है, उस पर टैक्स लगा करके आधी संपत्ति लूटना चाहते हैं। और इसलिए ही तो देश कह रहा है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।